हेलो फ्रेंड्स, सोरियन एडिट में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कुछ इस टाइप का अमेजिंग फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल जो हम पिक्सल एप्लीकेशन से सिखाने वाले हैं आप सबको। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एक बेस्ट मिस मत करना और वीडियो को इन तक देखना, क्योंकि इन तक देखने के बाद ही आप सबको समझ में आ जाएगा। और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को कर देने के लाइक, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलना ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रियन एडिट, वहाँ पर भी जाकर सब फॉलो कर लेना। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग के लिए हमें पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर देना है, ठीक है। तो गाइस, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो गाइस, नीचे जो प्लस वाला आइकन है, प्लस वाला आइकन पर हमें टैप कर देना है। देन गाइस, एडिट फोटो पर हमें क्लिक कर देना है और हमारा जो मॉडल का पिक्चर है उसको हमें ओपन कर देना है। तो गाइस, ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर हमें टूल्स पर हमें क्लिक कर देना है। टूल्स पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हमें एडजस्ट पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। तो गाइस, एडजस्ट पर हमें क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हमें हमारा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क टोन ले आऊँगा, ओके। तो इस डार्क टोन ले आने के लिए हमें सैचुरेशन को फुल डिक्रीज कर देना है और टेम्प को थोड़ा कम कर देना है, और यहाँ पर मैं ब्राइटनेस को भी थोड़ा कम कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस, इसको हो जाने के बाद देख सकते हो गाइस, हमारे बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क टोन आ गया है। तो गाइस, फेस के ऊपर भी आ गया है। तो गाइस, फेस को ऊपर हटाने के लिए लेफ्ट साइड में जो इरेजर वाले आइकन दिख रहा है आप सबको, सो गाइस, ये वाला जो इरेजर वाले आइकन है, आइकन पर हमें टैप कर देना है। देन गाइस, इरेज वाले जो ऑप्शन है उसको हमें जाना है और ब्रश को हमें ठीक ठाक से एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। अब हमें फेस के ऊपर इस तरह से हमें ब्रश कर लेना है, ठीक है। तो गाइस, देख सकते हो गाइस, ब्रश करने से हमारा जो फेस था वो पहले की तरह हो रहा है और बैकग्राउंड डार्क ही रहेगा, ओके। तो गाइस, इस तरह से हमें फेस के ऊपर ब्रश चला लेना है, ठीक है। तो गाइस, आप सब भी इस तरह से कर लेना। मैं थोड़ा वीडियो का स्पीड थोड़ा बढ़ा देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस, ये सब हो जाने के बाद अब हमें पिक्चर को डन कर देना है, ठीक है। तो गाइस, मैं पिक्चर को डन कर दूंगा। देन गाइस, डन कर देने के बाद हमारा जो पिक्चर है, पिक्चर को मैं थोड़ा गोरा कर लूँगा, ठीक है। हमारे फेस को थोड़ा गोरा कर लूँगा। सो गाइस, गोरा करने के लिए टूल्स पर जाएंगे। टूल्स पर जाने के बाद फिर से हमें एडजस्ट पर हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सैचुरेशन को, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा बढ़ा लेंगे और यहाँ पर सैचुरेशन को थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। तो गाइस, देख सकते हो गाइस, चेहरे के ऊपर आ गए हैं। तो गाइस, अब हमें इरेजर वाले आइकन पर जाना है। इरेजर वाले आइकन पर जाने के बाद यहाँ से हमें इस तरह से हमें ब्रश वाले ब्रश कर लेना है अपने फेस के ऊपर, ठीक है। तो गाइस, देख सकते हो हमारा फेस जो है, फेस थोड़ा गोरा हो रहा है। तो गाइस, आप सबके पिक्चर अगर गोरा नहीं तो इस तरह से कर लेना, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो गाइस, हमारा जो पिक्चर है वो कितना ऑसम लग रहा है। तो गाइस, आप हमें कुछ नहीं करना है, आप हमें दो पीएनजी जो है, पीएनजी को हमें ऐड कर लेना है, ठीक है गाइस। तो इस ऐड फोटो पर जाकर दो पीएनजी को हमें ऐड कर लेना है। तो गाइस, ये वाला जो दो पीएनजी है, इस वाले दो पीएनजी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, पहले वाला जो पीएनजी है वो पीएनजी को मैं साइड कर रख देता हूँ और ये वाला जो पीएनजी है, पीएनजी को हमें इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। तो गाइस, एडजस्टमेंट कर देने के बाद यहाँ पर हमें इस ब्लेंड मोड पर जाना है, ठीक है। तो गाइस, ब्लेंड मोड पर जाने के बाद यहाँ पर हमें ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर देना है। तो गाइस, स्क्रीन कर देने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से हमें ठीक ठाक से एडजस्टमेंट कर लेना है। तो गाइस, एडजस्टमेंट करने के बाद आप हमें सेकेंड जो पीएनजी है, ये वाला जो पीएनजी है, इसको हमें ठीक ठाक से एडजस्टमेंट कर लेना है पूरा फुल पिक्चर के ऊपर, ठीक है। तो गाइस, इस तरह से कर लेना। देन गाइस, इसका भी ब्लेंड मोड को हमें स्क्रीन कर देना है, ठीक है। तो गाइस, स्क्रीन कर देने के बाद अब हमें यहाँ पर इरेजर वाले आइकन है, इरेजर वाले आइकन पर जाने के बाद यहाँ पर हमें जो जो पार्ट हमें नहीं चाहिए, ये वाला जो इफेक्ट, तो इस पार्ट को हमें इस तरह से हमें इरेज कर लेना है फेस के ऊपर से। तो गाइस, ये सब हो जाने के बाद अब हमें पिक्चर को डन कर देना है। तो गाइस, डन कर देने के बाद अब हमें क्या करना होगा, आप हमें इफेक्ट पर जाना है। इफेक्ट पर जाने के बाद यहाँ पर हमें इफेक्ट्स पर हमें क्लिक कर देना है। देन गाइस, बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएगा आप सबको। सिंपली आप हमें चाहिए यहाँ पर विंटेज वाले जो इफेक्ट है उसको हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर विग्नेट वाली जो इफेक्ट है उसको हमें कर देना है क्लिक। कहाँ गई,
तो गाइस ये वाला जो बिगनेट वाली पीएनजी है, सॉरी गाइस इफेक्ट है, उसको हमें कर देने क्लिक। देन गाइस इसका जो साइज है, साइज को मैं 60 रख दूंगा और फेड को भी मैं यहाँ पर 50 रख दूंगा, ठीक है। तो गाइस ये सब हो जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो गाइस हमारा जो पिक्चर है वो कितना ऑसम लग रहा है। तो गाइस आप हमें क्या करना होगा, आप हमें पिक्चर को सेव कर लेना है, ठीक है। तो गाइस सेव करने के लिए मैं ड्रॉ टूल्स का यूज़ करूँगा यहाँ पर। सो गाइस यहाँ पर हमें जाना है, यहाँ पर हमें जाने के बाद यहाँ पर हमें ड्रॉ वाले टूल्स पर हमें कर देना है क्लिक। देन गाइस ड्रॉ ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो गाइस जो थ्री डॉट वाली आइकन है, आइकन पर हमें टैप कर देना है और हमें सेव इमेज पर क्लिक कर देना है। जो पिक्चर था वो सेव हो जाएगा कलर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को कर देने एक लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलना ऐसे नए वीडियो देखने के लिए। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है डीएनएडिट।